बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं कारी फहीम अहमद कासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अजीज़ दोस्तों, मैंने मदरसा बोर्ड और इस पासपोर्ट के बारे में वीडियोज़ बनाई, लोगों ने उन वीडियो को देखा और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। उन वीडियो में लोगों ने मुझसे कुछ सवाल किए, किसी ने कुछ सवाल किया, किसी ने ये कहा कि अपनी मार्कशीट को वेरीफाई हम कैसे कराएं, किसी ने कहा कि मेरा पासपोर्ट अभी तक अंडर रिव्यू है, उसको मैं क्लियर कैसे कराऊं। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए, लेकिन अभी लास्ट में मुझे एक कमेंट्स आई, एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया कि हज़रत सर, आप एक ऐसी वीडियो बनाइए, ये बताइए कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट को हम अपने मोबाइल पर वेरीफाई कैसे करें। दोस्तों तो चलिए आज मैं आपको, ये बहुत आसान तरीका है, आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि हम मदरसा बोर्ड को अपने मोबाइल पर मदरसा बोर्ड की मार्कशीट को वेरीफाई कैसे करें। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखें कि लास्ट दो साल की, यानी जो लास्ट के दो साल हैं, यानी 2019 और 2020, उन्हीं मार्कशीट को हम अपने पासपोर्ट अपने मोबाइल पर और मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर वेरीफाई कर सकते हैं। उससे पहले के मार्कशीट के लिए आपको जो है या तो मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर RTI डालनी होगी या ख़ुद मदरसा बोर्ड से लखनऊ से रابطہ करना होगा। तो चलिए मैं आपको आज की वीडियो में ये बताता हूँ कि मदरसा बोर्ड की मार्कशीट को हम वेरीफाई अपने मोबाइल पर कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बताता हूँ कि आपको मदरसा बोर्ड की मार्कशीट अपनी वेरीफाई कैसे करनी है। दोस्तों वीडियो की लिंक, हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, तो उसके लिए हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आप देखते रहें। सबसे पहले हम खोलेंगे मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और उस पर जाएंगे हम गूगल क्रोम पर। एक गूगल क्रोम पर मैं आ गया हूँ, ये इसका पेज खुल गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उसको डायरेक्ट जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर मदरसा बोर्ड की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। लेकिन आप एक ध्यान रखें, आप मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, लेकिन मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने लिंक को यहाँ पर पेस्ट किया, ये आपका, इसको गो कर देता हूँ मैं, ये डायरेक्ट आपका पेज जो आपकी मदरसा बोर्ड की मार्कशीट को वेरिफिकेशन पेज है वो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम, यहाँ पर पेज खुला है 2020, ये 2020 यूपी मदरसा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2020 लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर हम 2020 के रिज़ल्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लास सेलेक्ट करने को बोल रहा है, इसी तरह यहाँ पर ये रोल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एंटर कोड मांग रहा है, मैं यहाँ पर इसको सब हटा देता हूँ। तो इसी तरह आप जो है देख सकते हैं। तो ये हम 2020 में, जैसे मैंने 2020 में फाजिल किया था, यहाँ पर ये आप जैसे क्लास सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन दबाएंगे तो आपको चारों क्लास नज़र आ जाएंगे। आपका अगर मुंशी और मौलवी है तो आप सेकेंडरी, आलिम है तो सीनियर सेकेंडरी आप सेलेक्ट करना, आपका कामिल फर्स्ट ईयर सेकेंड या थर्ड हो तो आप कामिल करना, फाजिल आपका फ़र्स्ट ईयर हो तो आप फाजिल सेलेक्ट करना। तो मेरा इस 2020 में फाजिल फर्स्ट ईयर हुआ है, तो मैं फाजिल को आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप देखते हैं, देख ही रहे होंगे, एंटर रोल नंबर। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये एंटर रोल नंबर, तो यहाँ पर मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ अपना, आप देखते रहिए, मेरा रोल नंबर है 6594173021। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर डाल दिया। यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एंटर कोड हियर लिखा हुआ है, ये कोड यहाँ पर इसी तरह उतार देंगे, 75491। यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अपनी मार्कशीट वेरीफाई का प्रिंट, मार्कशीट की वेरिफिकेशन प्रिंट आपके सामने आ गया है, आप देख सकते हैं। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आपको अगर यही प्रिंट लेना है तो आप लिखा हुआ यहाँ पर
ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट रिजल्ट, तो यहाँ पर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप। इसको मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो इस तरह आप बन के आ जाएगा, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरह बन के आ जाएगा, आप इसको प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने अपनी मार्कशीट को वेरीफाई करना सीख लिया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि आप सिर्फ अपने 2 साल की ही मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं, यानी 2019 और 2020। तो दोस्तों 2020 को तो मैंने करके दिखा दिया, अब 2019 को आप कैसे वेरीफाई करेंगे उसके लिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ। अगर आपने 2019 की वेरीफाई करनी है तो आप उसको मैं आपको वापस गूगल क्रोम पर लेके चलता हूँ। तो हम गूगल क्रोम पर आ गए, यहाँ पर हम वही लिंक अपना पेस्ट करेंगे, हमने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर लिया। अब इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है ना, जो लिंक है यहाँ पर दिया हुआ है, इसी लिंक को हम यहाँ से दोबारा कॉपी करेंगे, इसी लिंक को हम यहाँ से दोबारा कॉपी करेंगे और या पेस्ट करने के बाद में ये जो 2020 लिखा हुआ इसको डिलीट कर देंगे, 2020 यहाँ से इसको यहाँ कर देंगे हम हाथों हाथ 2019। इसी तरह यहाँ पर 2020 है इसको भी डिलीट कर देंगे, यहाँ भी हम 2019 कर देंगे, आप देख रहे होंगे। अब इसको हम गो कर देंगे तो अब ये जो पेज खुलेगा ये 2019 का खुल जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे ये जो पेज खुला है ये 2019 का खुला है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको 2019 में जो मैंने किया था उसकी उसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ, और 2019 में मैंने कामिल थर्ड ईयर किया था, मैं कामिल थर्ड ईयर को आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से फिर हम अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा कामिल, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर में है 65 93 19 14 और 18, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको कर देंगे सबमिट। तो दोस्तों ये 2019 की भी मेरी मार्कशीट वेरीफाई प्रिंट निकल कर आपके सामने आ गया है, ये आप देख सकते हैं कामिल थर्ड ईयर परिणाम परीक्षा वर्ष 2019, ये मेरा नाम वगैरह सब यहाँ पर, मेरा नाम वगैरह है सब आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ही मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरी माता जी का नाम, और यहाँ पर ये, यहाँ पर इसी तरह ये पूरा रिजल्ट निकल के आपके सामने आए। इसको भी आप प्रिंट करते हैं तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट रिजल्ट पर क्लिक करें तो आपके यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आ गई होगी और आपने मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी मार्कशीट को प्रिंट करना, अपनी मार्कशीट का वेरीफाई प्रिंट निकालना भी सीख लिया होगा। यहाँ पर एक बात मैं आखिर में ये कहता चलूँ दोस्तों, ये जो मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली है ये सिर्फ मदरसा यूपी मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, दीगर सूबे के जो लोग हैं वो अपने अपने सूबे के मुताबिक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक नहीं आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।